अलीगढ़ जेली शराब कांड के बाद अयोध्या प्रशासन हरकत में आ गया। शनिवार को शासन के निर्देशानुसार अयोध्या जनपद में भी शराब की दुकानों की चेकिंग शुरू हुई। शहर में एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपनिंग व क्लोजिंग स्टॉक को भी देखा, जिसमें शहर की हर दुकान में स्टॉक में सब कुछ ओके मिला। दुकानों पर शराब की बिक्री के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का निर्देश दिया। एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने कहा कि अयोध्या जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अयोध्या में जितनी भी मॉडल शॉप दुकानें हैं उनको चेक किया गया, वहीं ओपनिंग व क्लोजिंग स्टॉक को भी देखा गया। एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने कोविड नियम का पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहे, ऐसा निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में सभी दुकानें सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये था कि जितनी भी मॉडल शॉप्स हैं या प्रोमिनेंटली और ये देशी की दुकानें हैं उन सबको चेक करना है। स्पेशली हम लोग स्टॉक चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। जो स्टॉक मतलब इनका ओपनिंग है वही क्लोजिंग स्टॉक ही ओपन हो रहा है और अदरवाइज कुछ कंटेंट यहाँ पर नहीं रखा गया है, उसी को चेक कर रहे हैं। साफ सफाई देख रहे हैं, बाकी बेसिक की मास्क वगैरह लगा रहे हैं जो खरीदने वाले आ रहे हैं कि नहीं, यही सब बेसिक जो निर्देश जो मैंने देखा अभी तो सारे स्टॉक सही पाए गए हैं। जो भी तीन दुकानें अभी तक मैंने चेक करी है उसमें स्टॉक सही थे और कोई भी अंदर एंट्री अलाउ नहीं है और लोग अभी भी मास्क और सैनिटाइजर ये सब चीजें बेसिक फॉलो कर रहे हैं। पर कहीं कहीं जो है ज्यादा भीड़ लगती है, अभी इस टाइम तो नहीं है, शाम को हो सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और वहाँ पे कोई ड्यूटी पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है जो देखती रहे कि कोई भीड़ भाड़ ना हो, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो कोरोना से संबंधित। अयोध्या जनपद के मंडल कारागार में चल रहे निर्माण कार्यों का एसडीएम सिटी के अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शनिवार को जायजा लिया। मंडल कारागार में 8 इकाइयों का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, जिसमें टाइप 4 का एक आवास हैंडओवर की प्रक्रिया में आ गया है। मंडल कारागार के जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार के मुताबिक मंडल कारागार में टाइप 4 का एक आवास, टाइप 2 के 6 आवास एवं कंट्रोल रूम, एक हाई सिक्योरिटी बैरक, एक विजिटर सेट व 4 वॉच टावर का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। एसडीएम सिटी वैभव शर्मा ने कार्यदायी संस्था को 6 महीने के अंदर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान कमेटी के अध्यक्ष एडीएम सिटी वैभव शर्मा, सदस्य जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार व पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर व कार्यदायी संस्था आरईएस के जेई व कर्मचारी मौजूद रहे। के आदेशानुसार और शासन के निर्देश पर आज जो है जिला कारागार अयोध्या में सारे 8 मतलब सारे निर्माण कार्यों जिसमें 8 इकाइयां हैं सबके निर्माण कार्य चल रहे हैं। उसमें से एक टाइप 4 का आवास है जो इस समय हैंडओवर की प्रक्रिया में आ गया है। उन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण कर उसमें जो भी कमियां थी उसको इंगित करते हुए उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर कार्य कराए जाने हेतु एडीएम महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। इसमें 5 लोगों सदस्य लोगों की टीम थी जिसमें एडीएम महोदय की अध्यक्षता थी और मैं उसमें सदस्य सचिव था। बाकी उसमें एक्सीएन साहब थे, पीडब्ल्यूडी के आरईएस के जेई साहब थे और कार्यदायी संस्थाएं थी। इस समय जो कार्य 8 कार्य चल रही हैं जिसमें टाइप 4 का एक आवास, टाइप 2 के 6 नग आवास हैं, एक कंट्रोल रूम है, एक हाई सिक्योरिटी बैरक है और एक जो है विजिटर सेट है और 4 जो है टावर बन रहे हैं वॉच टावर। इसको जो है आगामी 6 महीने में कंप्लीट कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को और उनके जो सहयोगी संस्था हैं उनको निर्देश दिया गया है। कार्य चल रहे हैं लेकिन इस समय कोरोना के दृष्टिगत जो है थोड़ा सा रॉ मटेरियल कम मिल पा रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में काम मतलब लगभग 80% कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी ले आए थे। थैंक यू। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मिले आयकर छूट के प्रधान के तहत दान की प्रक्रिया किया गया, तो अब वह मस्जिद निर्माण के लिए भी दान लिए जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया, क्योंकि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF को भी आयकर विभाग के द्वारा 80G की कर छूट की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद अब ट्रस्ट
FCRA की अनुमति भी लेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ भूमि का मस्जिद निर्माण के साथ अस्पताल व कम्युनिटी किचन बनाए जाने की योजना को लेकर 29 जुलाई 2020 को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा औपचारिक रूप से गठित किया गया और जिसको लेकर 1 सितंबर 2020 को कर छूट के लिए आवेदन किया गया था और 27 मई 2021 को जारी एक अधिसूचना में आयकर विभाग ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नई भव्य मस्जिद की साइट को धारा 80G के पहले प्रावधान उपधारा 5(12) कॉलेज के तहत वर्गीकृत किया था। ट्रस्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप के बाद आयकर विभाग ने मस्जिद ट्रस्ट को टैक्स छूट का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन के मुताबिक अब तक IICF को दान के रूप में 20 लाख रुपए मिले हैं। हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है, सभी शुभचिंतकों ने हमें स्वेच्छा से दान दिया है। अब हम चयनित दाताओं से योगदान मांगेंगे क्योंकि अब हमें 80G की कर छूट मिली है और अब FCRA के लिए भी आवेदन करेंगे जिससे विदेशों से भी दान मिल सके।